ये है अमेज़न फॉरेस्ट, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और वीरान जंगल। इतना बड़ा जंगल के अगर आपको इसके बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में पूरे 472 दिन लग जाएंगे। और इसी सफर में आपका सामना होगा ऐसे जानवरों से जिनका छोटा होना या फिर बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इन दोनों का बस एक ही मकसद होता है, आपको मार कर अपना पेट भरना, क्योंकि ये है अमेज़न फॉरेस्ट और यहाँ एक छोटी सी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। ये जंगल जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर फैला हुआ है और ये एरिया इतना बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क आसानी से इसके अंदर फिट आ सकते हैं। ये जंगल 8 मुल्कों में फैला हुआ है। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, गुआना, ब्राजील और पेरू से होकर बोलिविया पर जाकर खत्म होता है। और आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इस वक्त जितनी भी जानदार चीजें सांस ले पा रही हैं, उसका 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल जहाँ पर पूरी तरह से बस कुदरत का राज है, इसलिए यहाँ सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वो कौन कौन सी ऐसी मखलूक है जिसने हजारों सालों से इस जंगल में हर जगह अपना कब्जा जमाया हुआ है। आसू टीवी के एक और वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। अगर आप आसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ एक मुकम्मल राउंड लगाया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा बनता है। यानी ये फासला इतना ही हुआ जितना कि मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद के अगर 7 चक्कर लगाए जाएं। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें बारिश नहीं पड़ती होगी। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद ही दरख्तों से होता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है और इसी घनेपन की वजह से यहाँ दिन के वक्त भी रात की तरह ही गुप अंधेरा होता है, क्योंकि ये घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते। यहाँ बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निजाम की वजह से जानवर, परिंदे और प्लांट्स की ऐसी ऐसी नस्लें भी मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती हैं। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1,300 अलग अलग नस्लों के महंगे तरीन परिंदे, 2,200 से ज्यादा मछलियों की किस्में, 272 मैमल्स और 380 अजीबो गरीब दिखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद हैं। अगर यहाँ के छोटे इंसेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में दाखिल होता है तो इस जंगल में सबसे पहला सामना उसका ग्रीन एनाकोंडा से होगा। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनी होता है। इसकी एक खास बात यह है कि जब भी ये अपना शिकार करता है तो अपने से भी बड़े अच्छे खासे जानवर को एक ही झटके में जिंदा निगल जाता है। अमेज़न में इस जैसे कितने टोटल एनाकोंडा मौजूद हैं अभी तक किसी को भी नहीं पता चल सका, लेकिन यहाँ पर एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक सांपों की हजारों नस्लें मौजूद हैं। कभी ना कभी आपको भी किसी चींटी ने जरूर काटा होगा, क्योंकि ये चींटियाँ गंदम के दाने से भी छोटी होती हैं, लेकिन वो भी जब इंसानी जिस्म को काटती हैं तो पूरा जिस्म ही दर्द से कांप उठता है। मगर अमेज़न फॉरेस्ट में चींटियों की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जिसका डंक इंतहाई दर्दनाक होता है। बुल टेंट के नाम से पहचानी जाने वाली और अपने अंदर जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये बाय चांस किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। इसको बुल टेंट भी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो लोग इसका शिकार हुए हैं उन्होंने बताया कि इसके डंक का दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है। हजारों मील तक फैले हुए इस जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी मौजूद है। ये है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जाकर गिरता है।
लगभग 329 फीट गहरा ये रिवर, जहां रहते हैं हजारों की तादाद में ऐसे खूंखार और बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हैरतअंगेज तौर पर अमेज़न रिवर में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजर रहा होता है, और इस पानी की क्वांटिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार्स शर्म अल शेख जो इजिप्ट में मौजूद है, उसको अमेज़न से गुजरने वाला यही पानी सिर्फ एक सेकंड में फिल कर सकता है। अमेज़न से होता हुआ जितना भी पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर को भी अगर मिलाया जाए, फिर भी ये सारी रिवर अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहाँ इंसानी आमदरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज और समझदार होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती हैं, मगर पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास काफी सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरतअंगेज़ तौर पर यह मछली की एक किस्म है जो अपने डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा करंट देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट दिया और मौके पर ही उनको मार डाला। इंसान तो इंसान, मछलियों की ये नस्ल अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी हो, बस बिजली का सिर्फ एक झटका देकर उसको मौत के घाट उतार देती है। साइंटिस्ट का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है, जिससे किसी भी जानदार चीज का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। मार्टिन स्टेरल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके क्रॉस किया था। जी हाँ, वही रिवर जिसके अंदर हजारों की तादाद में जायंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद हैं। फिर आखिर कैसे मार्टिन ने इन सब चीजों से बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक रिवर में, जहां एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर और इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ अलग बोट पर आती थी, वो रिवर की दोनों साइडों पर गोश्त के बेशुमार टुकड़े फेंकती थी, ताकि इन जानलेवा मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहाँ पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी, अपने अंदर से धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू की टेरिटरी में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें किसी भी चीज को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह मालूम नहीं है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल के करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की एडवांस दुनिया तक नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने ये चीज पहली बार देखी हो। अमेज़न में ऐसे कई मिस्टीरियस मकाम हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ ऐसे निशान बने हुए दिखाई देते हैं। ये साइन जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है, इनमें से कई जियोग्लिफ्स के साइज 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और ऐसे ही 300 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। आखिर इन अजीबोगरीब निशान को किस मकसद के लिए बनाया गया था, और आखिर ये तब किसने बनाए थे? अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। उम्मीद करता हूँ आज टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।